गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर जो 2 है उसको स्टार्ट कर रखा है। टू कंटिन्यू द चैप्टर 2, टॉपिक इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो नाउ वी स्टडी द डाइजेस्टिव ग्लैंड। द डाइजेस्टिव ग्लैंड इन्वॉल्व द सीक्रेट द सम सबस्टेंस या फ्लूडी पार्ट्स। This part is involved in the digestion of the food. So, 3 digestive gland involved in digestion. First is the salivary gland. Second is the pancreas. And third is the liver. Liver is the largest gland. ये question भी अच्छा है। तो नाउ वी स्टडी द सलेवरी ग्लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सिचुएटेड द सलेवरी ग्लैंड टू इन बक्कल कैविटी। ये बात आपको बतानी है। जो सलेवरी ग्लैंड है सीक्रेट ए फ्लूडी सबस्टेंस। फ्लूडी यानी लिक्विड सबस्टेंस आप बता सकते हो। सीक्रेट ए लिक्विड सबस्टेंस इज नोन एज द सलाइवा। उसको क्या बोलते हैं? सलाइवा। अब सलाइवा क्या है? तो देखिए, सलाइवा मिक्सचर है किसका? फ्लूडी सीरम प्लस म्यूकोसा। म्यूकोसा को अपन क्या बोलते हैं? म्यूकस भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि म्यूकस और सीरम का जो कंपो, यानी म्यूकस या म्यूकोसा का मतलब क्या हो गया? चिपचिपा। क्या हो गया? चिपचिपा। सीरम का मतलब क्या हो गया? फ्लूड। सीरम का मतलब क्या हो गया? फ्लूड। और इसका मतलब क्या हो गया? चिपचिपे सबस्टेंस को सिक्रेट करती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख लोगे कि सलेवरी जो ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करती है? सलाइवा सिक्रेट करती है। जो सलाइवा एक क्या है? मिक्सचर ऑफ द फ्लूडी सीरम एंड द म्यूकस। अब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सलाइवा? अब सलाइवा ऐसे एग्जाम में देखिए, या तो आपसे ये पूछ लेगा कि जो सलाइवा का सिक्रेशन क्या है, तो आप क्या बता दोगे? यानी स्लेवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? सलाइवा सिक्रेट करती है। स्लेवरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड है, तो आप बता दोगे इन बक्कल कैविटी में सिचुएटेड है। या आपसे पूछ ले कि कोई भी दो फंक्शन बताइए, या तो आप फंक्शन क्या बताओगे? देखिए, फर्स्ट फंक्शन क्या है? टू मेक द फूड लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट या फिर सॉफ्ट। आपने देखिए, आपने से फूड ले लिया, फूड की च्यूमिंग कर ली। च्यूमिंग करने के बाद में उसमें क्या मिक्स हो जाती है? सलाइवा मिक्स हो जाती है। अब जो अपने देखिए, अपने जो माउथ है, इस माउथ के अंदर जो फ्लूड प्रेजेंट है, जो वाटर प्रेजेंट है, वाटर नहीं, वो क्या होती है? वो सलाइवा होती है। तो सलाइवा फूड को लुब्रिकेंट बना देती है, सॉफ्ट बना देती है। सेकेंड, सलाइवा क्या करती है? अपने टिथ टंग और माउथ जो है इसको क्लीन भी करती है। तो टिथ टंग माउथ को क्लीन कौन करती है? सलाइवा करती है। अब इसका एक मेन फंक्शन देखिए, जो सलाइवा है ना, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है। इस एंजाइम को बोलते हैं एमाइलेज एंजाइम या टाइलीन एंजाइम। आप एमाइलेज भी वर्ड यूज कर सकते हो, टाइलीन वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि विच ग्लैंड सिक्रेट द टाइलीन एंजाइम, या फिर विच एंजाइम प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी। कि बक्कल कैविटी में कौन सा एंजाइम है? तो बक्कल कैविटी में केवल एक ही एंजाइम है, और वो एंजाइम कौन सा है? टाइलीन एंजाइम। और उसको सिक्रेट कौन करती है? स्लेवरी ग्लैंड है, ये इसे सिक्रेट करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जो बक्कल कैविटी है उसमें केवल एक ही एंजाइम है, कौन सा? एमाइलेज एंजाइम या टाइलीन। अब ये एंजाइम डाइजेशन किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का पार्शियली डाइजेशन करता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? पार्शियली यानी थोड़ा सा डाइजेशन करता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता है। तो जैसे देखिए, अपन स्टार्च अपने फूड की फॉर्म में लेते हैं। स्टार्च जैसे राइस में होती है स्टार्च, है ना, पोटेटो में भी स्टार्च होती है। तो स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। इस जो टाइलीन एंजाइम एक्ट ऑन द स्टार्च, ये स्टार्च के साथ में क्या जुड़ जाता है? टाइलीन एंजाइम जुड़ जाता है,
और स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज। और माल्टोज इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। जैसे कार्बोहाइड्रेट की थ्री फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म इज द पॉलीसेकेराइड। सेकेराइड उसको बोलते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं, वो सेकेराइड वर्ड है। फिर अब पॉलीसेकेराइड के बाद में सेकेंड होती है डाईसेकेराइड, ठीक है। डाईसेकेराइड के सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होती है? मोनोसेकेराइड। सबसे लार्जेस्ट पॉलीसेकेराइड, उससे स्मॉलेस्ट डाईसेकेराइड, और सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? मोनोसेकेराइड या सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसमें अपन किसको इंक्लूड करते हैं? ग्लूकोज को। मोनोसेकेराइड में क्या आता है? ग्लूकोज। डाई जो सेकेराइड है, डाई सेकेराइड्स के अंदर अपन किस किस को इन्वॉल्व करते हैं? कुछ सुगर होती है, जैसे माल्टोज, लैक्टोज। जो मिल्क होता है ना, मिल्क, मिल्क अपन को स्लाइटली मीठा लगता है, तो वो किसकी वजह से? लैक्टोज की वजह से। तो लैक्टोज, सुक्रोज, सुगर केन। सुगर केन मीठा लगता है ना, तो वो किसकी वजह से लगता है? सुक्रोज की। तो ये जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज, ये कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म है? डाईसेकेराइड। जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो टू ग्लूकोज हो गए ना, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो दो मिलके तो डाईसेकेराइड बोल दिया। अब मेनी ग्लूकोज आर कंबाइन टू फॉर्म द पॉलीसेकेराइड, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ये सभी। तो चलिए, यानी अपने फूड के फॉर्म में क्या लिया? स्टार्च, तो अपने पॉलीसेकेराइड ले लिया। उसके साथ एक्ट कौन करेगा? टाइलिन एंजाइम्स, और क्या बना देगा? माल्टोज। क्योंकि सीरीज वाइज चलता है, पॉली से डाई आएगा पहले और डाई से मोनो बनेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि पॉली से सीधे क्या बन जाए? मोनो बन जाए। मोनो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी मोनोसेक्राइड्स का मतलब क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। तो ये बातें तो अपन जब डाइजेशन की प्रोसेस करेंगे तब वापस करेंगे। एक बार तो क्या हुआ कि मैंने ऐसे नॉर्मली बता दिया कि जब एमाइलेज का नाम आ गया है तब, कि एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो स्टार्च के जो सलाइवा के क्या क्या फंक्शंस हो गए? सलाइवा के फर्स्ट टू मेक द लुब्रिकेंट एंड सॉफ्ट ऑफ द फूड, क्लीन द टीथ एंड माउथ एंड द टंग, टू डाइजेस्ट द स्टार्च कन्वर्ट इनटू द माल्टोज। दिस एंजाइम इज नोन एज द एमाइलेज एंड द टाइलिन एंजाइम्स। चलिए अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट स्टडी करते हैं, टाइप्स ऑफ द स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड के टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन सी स्लेवरी ग्लैंड है, वो कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। स्लेवरी ग्लैंड्स के अपन क्या करेंगे? टाइप्स करेंगे, और टाइप्स के साथ साथ में इसके क्या करेंगे अपन? देखिए, तो टाइप्स की अपन बात करते हैं, तो टाइप्स होते हैं थ्री। कितने टाइप्स होते हैं? थ्री टाइप्स होते हैं। जैसे एक का नाम है पेरोटिड ग्लैंड, पेरोटिड स्लेवरी ग्लैंड, पेरोटिड स्लेवरी ग्लैंड। एक का नाम हो गया सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। एक का नाम हो गया सब लिंगुअल। तीन हो गई ना, पेरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। चलिए पहले बात करते हैं पेरोटिड की, पेरोटिड है कहाँ? देखिए, अब जो पेरोटिड है अपने जो ईयर के पीछे ना, यहाँ पेरोटिड है, और कहाँ आके ओपन हो रही है? अपने चिक में ओपन होती है, यानी कि दो होगी ना, दोनों साइड में पेरोटिड है, कहाँ ओपन होगी? चिक में ओपन हो जाएगी। तो ओपन इन द चिक, अपने जो चिक्स होते हैं ना, इसमें ये क्या होती है? ओपन होती है। अब ये जो सिक्रेट करेगी, तो इसका जो सिक्रीशन अपन बात करते हैं, तो ये क्या सिक्रेट करती है? फ्लूइड एंड म्यूकस, फ्लूइड प्लस म्यूकस को ये क्या करती है? सिक्रेट करती है। सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर अपने होते हैं बिलो द लोअर जा, अपना जो लोअर जा है उसके नीचे क्या है? सब मैंडिबुलर है, ठीक है, याद है। सब मैंडिबुलर कहाँ होती है? बिलो। अब ये भी क्या सिक्रेट करती है? ये भी यही म्यूकस सिक्रेट कर देती है, फ्लूइड सिक्रेट कर देती है। सब लिंगुअल क्या आ जाएगा? सब लिंगुअल, तो सब लिंगुअल का है बिलो टंग,
के नीचे, बिलो दैट, इसके नीचे क्या पाई जाती है? अब ये भी क्या करती है, जैसे सीरम लाइक फ्लूड सिक्रेट कर देती है, ठीक है, म्यूकस को सिक्रेट कर देती है, ये इनके क्या हो जाते हैं, सिक्रीशन जिसको अपन बोलते हैं, वो ये सिक्रेट करने का काम करते। तो कौन से होगी, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। पैरोटिड कहाँ है, कहाँ ओपन होती है, चिक्स में ओपन होती है, जो पैरोटिड होते हैं, ये क्या सीक्रेट करती है, सी फ्लूड है, तो फ्लूड का नाम क्या हो जाता है, सीरम। क्या सीक्रेट करती है, आप जैसे इसको म्यूकस हटा दीजिए, केवल सीरम रख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि केवल ये क्या सीक्रेट कर देती है, सीरम सीक्रेट करती है। पैरोटिड वाले क्या सीक्रेट करती है, फ्लूड लाइक सीरम को सीक्रेट कर देती है। सब मैंडिबुलर है, बिलो द लोअर जा, कहाँ ओपन होती है, बिलो द लोअर जा के अंदर ये ओपन होते हैं, इसका जो सिक्रीशन होता है वो म्यूकस हो गया। सब लिंगुअल है, ये कहाँ ओपन हो, ये बिलो द टंग, बिलो द टंग में ओपन होती है, इसका जो सिक्रीशन होता है वो क्या होता है, म्यूकस। अब देखिए, म्यूकस और सीरम मिक्स होते हैं तब क्या बनती है, सलाइवा बनती है, तब क्या बनेगी, सलाइवा का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है पैनक्रियाज। नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को ध्यान में दी देना, इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। अपन ने ग्लैंड की स्टडी की थी ना, तो वहां पर भी पैनक्रियाज की स्टडी की थी, ये क्या हो गई, मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड क्यों है, क्योंकि एक्सोक्राइन टाइप की भी है और एंडोक्राइन टाइप की भी है। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में मैं आपको डिफरेंस पहले ही बता चुकी हूँ। तो एक्सोक्राइन है तो ये क्या सिक्रेट करेगी, एंजाइम सिक्रेट करेगी। एंडोक्राइन है तो क्या सिक्रेट करेगी, हार्मोन्स सिक्रेट करेगी। इसका जो एंजाइम है उसकी फॉर्म में पैनक्रेटिक जूस, क्या बोलते हैं उसको, पैनक्रेटिक जूस बोला जाएगा। और इसके जो हार्मोन्स होते हैं, वो एक हार्मोन्स का नाम तो क्या है, इंसुलिन हार्मोन, और एक का नाम क्या होता है, ग्लुकागोन हार्मोन। दोनों ही जो हार्मोन्स होंगे ये ब्लड में शुगर लेवल को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ब्लड में शुगर लेवल को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पर तो अपन एक्सोक्राइन की बात करें, ये तो अपन एंडोक्राइन की जब स्टडी की थी तो वहां अपन ने ये स्टडी कंप्लीट कर ली थी, तो आपको इतनी बात ध्यान में रखनी। अब देखिए, जैसे आप ये कहोगे ये कहाँ सिचुएटेड है, तो अपन देखिए ऐसे डायग्राम बनाते हैं ना, तो बिलो द स्टमक, बिलो द स्टमक, या फिर बिटवीन द टू लोब्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, या तो बिलो द स्टमक कर दो या बिटवीन द टू लोब्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ए फॉर्म इज नोन एज द पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं उसको, पैनक्रियाज बोला जाता है। क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना। अब चलिए मैं इतना थोड़ा सा बता ही देती हूँ, आप भूल गए होंगे, इंसुलिन क्या करता है ना। देखिए, इंसुलिन का क्या काम होगा, कि ये क्या करेगा, जो एक्सेस ग्लूकोज है, यानी फूड का डाइजेशन हो गया ना, फूड का डाइजेशन होने के बाद में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। दिस ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोजन, यानी हमारी बॉडी में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की बॉडी में। ये काम कौन कर रहा है, इंसुलिन कर रहा है। इंसुलिन क्या करता है, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, यानी हमारे पास में फूड स्टोर है। जब वापस से हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, तो जो ये ग्लूकागोन है, कौन सा है, ग्लूकागोन है, ये ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी दोनों ही हार्मोन ब्लड को शुगर लेवल के अंदर मेंटेन करते हैं। इंसुलिन का क्या काम था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना क्या था, इंसुलिन। इसका मतलब जो ग्लूकोज है, यानी वो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर है। जब हमें वापस एनर्जी की जरूरत होगी, तो पैनक्रियाज का ही सेकेंड हार्मोन
ग्लूकेगोन है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में दे देगा, और ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, और हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। इस ऑक्सीडेशन की बात अपन जब रेस्पिरेशन इसकी स्टडी करेंगे तब करेंगे अच्छे से। चलिए इतनी बात क्लियर होगी। देखिए पेनक्रियास ध्यान में रखना है, मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है, ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों सिक्रेट करती है। आपसे पूछ ले कि विच ग्लैंड सिक्रेट द हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, तो आप क्या बताओगे, पेनक्रियाज बताओगे। इसके एंजाइम को पेनक्रेटिक जूस बोलते हैं। ये जो पेनक्रेटिक जूस होगा ये प्रोटीन के डाइजेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। जब अपन मैकेनिज्म करेंगे तब इसकी स्टडी कर लेंगे। जो पेनक्रियाज के अंदर दो हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन्स है। तो ये किसकी स्टडी कर ली अपन ने, डाइजेस्टिव ग्लैंड की स्टडी कंप्लीट कर ली है। चलिए इसी के साथ साथ में आज आपको जो लीवर है उसकी स्टडी भी अपन, चलिए लीवर की स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। आज अपन ने एक तो सलाइवरी ग्लैंड की स्टडी कर ली और एक किसकी स्टडी कर ली अपन ने, पैनक्रियाज की कर ली। सलाइवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, कौन सी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, जैसे देखिए कहाँ है, ईयर के पीछे ना, बिलो द ईयर, तो बिलो द ईयर से डक्ट आकर वो कहाँ आती है, अपने चिक में आती है। तो जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन टारगेट ऑर्गन में डालती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। लेकिन जो डक्ट लेस होती है अपना सिक्रीशन किसको देती है, ब्लड को देती है, और जो ब्लड होता है वो टारगेट ऑर्गन तक लेके जाता है वो कौन सी होती है, वो एक्सो एंडोक्राइन होती है। वो कौन, तो डक्ट वाली एक्सोक्राइन, जैसे एक्सोक्राइन में आ गया, लीवर कर लेंगे एक्सोक्राइन में, स्लेवरी ग्लैंड कर ली, ऑयल ग्लैंड होती है, ये सब क्या होती है, वो एक्सोक्राइन है। एंडोक्राइन ग्लैंड की तो अपन कंप्लीट स्टडी कर ही चुके हैं अच्छे से। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन एक तो किसकी स्टडी करेंगे, लीवर की स्टडी करेंगे, और एक स्टडी अपन डाइजेस्टिव एंजाइम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो आप नोट कीजिए, विच एंजाइम कंटेन इन द सलाइवा, विच एंजाइम कंटेन इन द सलाइवा, और ये आंसर सभी स्टूडेंट्स को कमेंट्स बॉक्स में विद द नेम सेंड करना है, और अपनी स्टडी को आप रेगुलर स्टार्ट रखिए।